गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे हेड टैग्स। ठीक है, द नेक्स्ट सेट ऑफ टैग्स हेड। हेड का मीनिंग क्या होता है? ये कंटेन करता है वेब पेज टाइटल एंड अदर डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन। ठीक है, जो मेटा डेटा की होती है अबाउट आ वेब पेज के बारे में जो होती है उसकी टाइटल और मेटा डेटा इंफॉर्मेशन क्या करता है, कंटेन करता है। नेक्स्ट है हमारा टाइटल टैग। टाइटल टैग क्या होता है? टाइटल एंड टाइटल टैग इंडिकेट द टाइटल जो होता है वेब पेज का, वो किस में इंडिकेट होता है? टाइटल टैग में। ठीक है, जैसे ये देखो, ये टाइटल है कंप्यूटर सिस्टम, तो कंप्यूटर सिस्टम टाइटल है, तो ये टाइटल को क्या कंटेन करेगा? टाइटल टैग। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा मेटा डेटा टैग। मेटा डेटा टैग, यू कैन एड मेटा डेटा टू योर पेज टू इंक्लूड एक्स्ट्रा डिस्क्रिप्टिव, जो एक्स्ट्रा डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन होती है, जैसे कि ऑथर का होता है, कॉपीराइट इंफॉर्मेशन, कीवर्ड्स एंड मोर डेट यू इंसर्ट इन मेटा डेटा के अंदर आती है टैग्स के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है बॉडी टैग्स। द फाइनल सेट ऑफ टैग्स बॉडी एंड कंटेन्स द मेन कंटेंट ऑफ द वेब पेज। इट इज अ कंटेनर एलिमेंट विच इंक्लूड्स टेक्स्ट ग्राफिक्स एंड अदर एलिमेंट्स। जो टेक्स्ट ग्राफिक्स और अदर एलिमेंट्स आते हैं वो किसके अंदर कंटेन होते हैं? बॉडी टैग्स के अंदर कंटेन होते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा डिस्प्लेइंग वेब पेज इन अ वेब ब्राउजर। आफ्टर क्रिएटिंग एंड सेविंग द वेब पेज, जब हम क्या करते हैं पेज क्रिएट करते हैं और सेव करते हैं वेब पेज को, कैन बी डिस्प्ले इन द वेब ब्राउजर। उसके बाद हम कहां पे इसको देख सकते हैं? वेब ब्राउजर में जाकर देख सकते हैं। दिस विल अलाउ यू टू सी हाउ योर वेब पेज विल अपेयर। ये दिखाते हैं कि आपका जो आपने वेब पेज बनाया वो कैसा दिखाई देगा। ठीक है, उसके बाद हमारा ऑप्शन आता है मॉडिफाई पैराग्राफ टेक्स्ट। मॉडिफाइंग पैराग्राफ टेक्स्ट, पैराग्राफ्स आर सराउंडेड बाय अ वर्टिकल स्पेस ऑफ वन लाइन। ठीक है, हमने जो भी पैराग्राफ बनाया है, ठीक है, वो किसके अंदर हम देते हैं? पैराग्राफ टैग के अंदर। ये जैसे कि हमने एक न्यू पैराग्राफ बनाया, टू स्टार्ट न्यू पैराग्राफ इन HTML डॉक्यूमेंट यू कैन यूज पैराग्राफ टैग्स। तब हम किसका यूज करेंगे? पैराग्राफ टैग्स का यूज करेंगे। इन अ वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम यू कैन प्रेस एंटर की, जैसे ही लाइन आपकी खत्म होगी हम एंटर की प्रेस करेंगे ताकि नेक्स्ट लाइन पे हम उसको स्टार्ट कर पाए। ठीक है, स्टार्ट अ न्यू पैराग्राफ। वेब पेज, वेब ब्राउजर डू नॉट रीड दीज लाइन्स ब्रेक, ये जो है लाइन्स ब्रेक में रीड नहीं करता। सो यू नीड टू इंसर्ट पी, आपको पैराग्राफ बनाने के लिए पी टैग का यूज करना पड़ेगा एवरी टाइम यू वॉन्ट टू स्टार्ट अ न्यू पैराग्राफ। जैसे ही आपने जो भी न्यू पैराग्राफ स्टार्ट करना है तो आपने ये पी टैग को स्टार्ट करना है। ठीक है, व्हेन द ब्राउजर फाइंड्स अ पैराग्राफ टैग इन HTML फाइल इट स्टार्ट अ न्यू पैराग्राफ एंड इंसर्ट ब्लैंक एंड। ठीक है, न्यू पैराग्राफ स्टार्ट करने के लिए आपको पी टैग को यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है स्टार्टिंग अ न्यू लाइन, यू कैन इंसर्ट अ लाइन ब्रेक। जब आपने अगर लाइन ब्रेक करनी है अपने वेब पेज के लिए, तब आपने कौन सी टैग यूज करनी है? BR टैग। BR की टैग स्टार्ट करोगे तब आपकी जो लाइन है, नहीं तो लाइन क्या है, अगर आप लिखोगे तो कंटिन्यूसली सीधी लाइन चलती रहती है, और अगर आपने क्या करा है ब्रेक लगाया तो वो नेक्स्ट लाइन पे आपकी लाइन जो है नेक्स्ट लाइन चल जाएगी। ठीक है, जैसे कि ये देखो, जैसे ये ब्रेक लगाया हमने, तो अगर हम ब्रेक नहीं लगाते तो PM पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड ये सारा का सारा एक लाइन में जाएगा। अगर ब्रेक लगाया तो इस तरह से आपका अलग अलग लाइन पे शो करने लग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा इंसर्टिंग अ ब्लैंक स्पेस। बाय टाइपिंग एंड न्यू ब्लैंक स्पेस यू कैन इंसर्ट अ ब्लैंक स्पेस विद इन अ लाइन ऑफ टेक्स्ट टू इंडेंट और एड एम्बेसिस टू योर टेक्स्ट। दिस कोड स्टैंड फॉर नॉन ब्रेकिंग स्पेस। द वेब ब्राउजर विल नॉट क्रिएट अ लाइन ब्रेक वेयर यू इंसर्ट दीज करेक्टर्स, मतलब जो भी लाइन अगर ब्रेक नहीं लगाओगे तो वो कॉन्टिन्यूसली आपकी लाइन जो है चलती जाएगी इस तरह से। ये देखो, ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा हॉरिजेंटल रूल। हॉरिजेंटल रूल,
ये होती है जो हॉरिजॉन्टल लाइन वगैरह अगर आपने जैसे पैराग्राफ में देनी है तो ये होती है हॉरिजॉन्टल लाइन। ये देखो आपने एचआर लगाया, ये पैराग्राफ लिखा, ये देखो ये पैराग्राफ आ गया, उसके ऊपर जैसे हॉरिजॉन्टल लाइन लेनी है तो एचआर की कमांड को यूज करेंगे आप, ठीक है। यू कैन ऐड अ हॉरिजॉन्टल रूल और लाइन अक्रॉस योर वेब पेज, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो लाइन होती है हॉरिजॉन्टल लाइन तो वो शो करने लग जाती है, देखो अक्रॉस योर वेब पेज टू सेपरेट डिफरेंट सेक्शन, ताकि ये आपका डिफरेंट सेक्शन में, ये देखो हॉरिजॉन्टल लाइन लगने से क्या आएगा, आपका सेक्शन डिफरेंट लगने लग जाएगा कि अलग, ये अलग सेक्शन है और ये अलग सेक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा इंसर्टिंग अ मार्की। मार्की देखो, सम कंपनीज ऑफन यूज स्क्रोलिंग मैसेज ऑन देयर वेबसाइट टू हाईलाइट ब्रेकिंग न्यूज, जैसे कि आपने एक न्यूज चलती है ना जिसमें मतलब वो हेडिंग आती है वो जो चलती रहती है कॉन्टिन्यूसली, तो उसको कहते हैं मार्की, तो ठीक है। इस तरह से अगर हम मार्की इस तरह की कॉन्टिन्यूसली लाइन चलानी है तब हम कौन सी कमांड का यूज करते हैं, मार्की टैग का यूज करते हैं, ठीक है। टैग कौन सी यूज होती है हमारी, मार्की टैग, जिससे वो देखो टेक्स्ट डिस्प्ले इधर हॉरिजॉन्टली अक्रॉस टू और वर्टिकली डाउन ऑन योर वेबसाइट पे, जिससे कि आपकी जो लाइन है वो हॉरिजॉन्टली आपकी क्या है जो है टैग हॉरिजॉन्टली आपकी जो है चलने लग जाएगी। हॉरिजॉन्टली चलानी है मार्की तो हॉरिजॉन्टली बेस पे चलेगी, अगर आपने कोई भी लाइन को वर्टिकली चलाना है तो आपकी वर्टिकली में शो होने लग जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा हेडिंग टैग। हेडिंग टैग का देखो H1, H2, ये क्या है, अगर आपकी लाइन को क्या करना है आप स्पेशल इसको लार्जेस्ट वे में दिखाना चाहते हैं तब आप क्या है हेडिंग्स का यूज कर सकते हैं। देखो वी यूज हेडिंग टैग्स टू डिफाइन हेडिंग टू द वेब पेज, हेडिंग आर यूज टू सेपरेट टेक्स्ट और एड न्यू टॉपिक्स, जैसे आप अपने नोटबुक में बनाते हो ना हेडिंग्स, वैसे ही आप इसका यूज कर सकते हो हेडिंग, तो उसके लिए आपको कौन सी टैग यूज करनी पड़ेगी, हेडिंग टैग, जैसे H1 to H6 का हम दे सकते हैं इस तरह से। देखो जैसे ये PM पब्लिशियर से अलग टैग बनी, फिर कुछ भी लिखना है ये टैग्स बनती जाएगी, ठीक है, हेडिंग सॉरी हेडिंग्स बनती जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है फॉर्मेटिंग टेक्स्ट। HTML प्रोवाइड्स अ नंबर ऑफ अदर टैग्स और टू फॉर्मेट टैग्स, दीज टैग्स फॉल इनटू टू कैटेगरीज, इसकी टू कैटेगरीज होती है, एक तो लॉजिकल टैग्स स्टाइल टैग्स एंड फिजिकल स्टाइल टैग्स। लॉजिकल स्टाइल टैग्स अलाउ अ ब्राउजर टू इंटरप्रेट द टैग बेस्ड ऑन ब्राउजर सेटिंग्स रिलेटिव टू अदर टेक्स्ट ऑन अ वेब पेज, जैसे कि दी हेडिंग टू हेडिंग टैग्स आएगी वो किस्म के अंदर आती है, लॉजिकल स्टाइल के अंदर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इज अ लॉजिकल स्टाइल टैग विच इंडिकेट्स दैट द हेडिंग टेक्स्ट शुड बी लार्जर, जिसमें कि आपकी जो टैग्स आएगी वो लार्जर होती है देन द रेगुलर टेक्स्ट, ठीक है, बट स्मॉलर देन टेक्स्ट इंडिकेट्स दैट द हेडिंग टेक्स्ट शुड बी फॉर्मेट यूजिंग एन H1 हेडिंग टैग। दी स्ट्रॉन्ग टैग इज अनदर लॉजिकल स्टाइल टैग विच इंडिकेट्स दैट द टेक्स्ट शुड हैव अ स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस एंड फॉर विच मोस्ट ब्राउजर इंटरप्रेट एंड डिस्प्ले द नेक्स्ट टेक्स्ट इन बोल्ड फॉन्ट, ठीक है। अगर आपने कोई भी बोल्ड देना है तो वो आपकी क्या डार्क होने लग जाएगी, और जो फिजिकल स्टाइल टैग्स होती है स्पेसिफाई पर्टिकुलर फॉन्ट चेंज दैट इंटरप्रेटेड स्ट्रिक्टली बाय ऑल ब्राउजर्स, फॉर एग्जाम्पल टू इंश्योर दैट टेक्स्ट अपेयर इन बोल्ड फॉन्ट, जिसमें डार्क कलर में आ जाएगा आपका फॉन्ट, ठीक है। तो आपकी जो भी जैसे हेडिंग टैग्स आती है वो मतलब लॉजिकल स्टाइल में आती है, और जो भी उसको आपने बोल्ड वगैरह करना है तो वो किसके अंदर आएगा, फिजिकल स्टाइल के अंदर आएगा, ठीक है। और नेक्स्ट आता है हमारा स्ट्राइक सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट एंड टाइपराइटर स्टाइल। यू कैन ऐड स्टाइल टू योर टेक्स्ट टू मेक योर पेज विजुअली अपीलिंग। स्ट्राइक स्पेसिफाइज दैट द एनक्लोज टेक्स्ट शुड बी डिस्प्लेड विद द हॉरिजॉन्टल लाइन स्ट्राइकिंग, ठीक है। जैसे देखो इसमें क्या है, जो स्ट्राइक होती है, स्ट्राइक का मीनिंग होता है इसमें कि आपका जो मैटर में है ना, अब प्लेन टेक्स्ट है तो सिंपल आया, उसके बाद स्ट्राइक टेक्स्ट की कमांड देते हैं तो ये देखो लाइन बीच में क्या आई, उसके वर्ड्स के बीच में लाइन आ जाएगी, तो ये तो होती है हमारी स्ट्राइक की। उसके बाद जो सुपर स्क्रिप्ट करता है
वर्नाक्युलर टेक्स्ट शुड बी डिस्प्ले एज अ सुपरस्क्रिप्ट यूजिंग. सुपरस्क्रिप्ट का मीनिंग होता है जैसे अपने एच टू की ली, हमने एच टू लिया तो ओ की जो ऊपर टू चला गया तो इट मीन्स ये होता है सुपरस्क्रिप्ट. और सबस्क्रिप्ट का मीनिंग होता है जैसे एच टू टू नीचे की तरफ आ जाएगा जो हमारी, ठीक है, जो हमने ये फॉर्मूला लगाया है वाटर का एच टू ओ, तो वो एच टू को वो क्या है कि टू जो है नीचे शो करने का. और अगर अगर सुपरस्क्रिप्ट करते हैं तो टू उसके ऊपर ओ के ऊपर आ गया, तो ये सुपरस्क्रिप्ट है, ये सबस्क्रिप्ट है और ये स्ट्राइक टेक्स्ट है. इस तरह हम जो ये टैग यूज करेंगे तो वो इस तरह से शो होने लग जाएगा, ठीक है. उसके बाद आता है हमारा चेंजिंग द अलाइनमेंट ऑफ हेड. चेंजिंग द अलाइनमेंट ऑफ द हेड है कि हमने जो भी मैटर है चाहे लेफ्ट में रखना है, सेंटर में रखना है, राइट में रखना है, तब हम क्या कर सकते हैं इसका, हम क्या करेंगे अलाइनमेंट को यूज करेंगे. तब यू कैन कंट्रोल द हॉरिजॉन्टल पोजिशनिंग और अलाइनमेंट ऑफ योर हेडिंग बाय यूजिंग द अलाइन. तब हम अलाइन टैग का यूज करेंगे. ऐसी हम पैराग्राफ में भी अपना अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं. जैसे कि हमने अलाइनमेंट सेंटर करा तो जो भी हमने पैराग्राफ दिया है वो लेफ्ट राइट सेंटर आपने जहां पे भी शो करना है आप उसी को कर सकते हो, ठीक है. नेक्स्ट आता है हमारा चेंजिंग फॉन्ट ऑफ टेक्स्ट. फॉन्ट ऑफ टेक्स्ट का मीनिंग होता है आपने कोई भी जैसे इसमें चेंज करना हो, मतलब साइज छोटा बड़ा करना है, या जैसे कि ये फॉन्ट चेंज करना हो, मतलब जो आपने जो ये वर्ड्स लिखे हैं इसका स्टाइल चेंज करना हो, ठीक है, तब आप क्या कर सकते हो, आपको क्या लिखना पड़ेगा, फॉन्ट फेस की कमांड शुरू करनी पड़ेगी. और जैसे ये कॉमिक सेंस है तो ये क्या है, इसका स्टाइल चेंज हो जाएगा, ठीक है. तब हम किसकी टैग का यूज करते हैं, फॉन्ट की टेक्स्ट का टैग यूज करते हैं. उसके बाद आती है हमारा चेंजिंग द साइज ऑफ टेक्स्ट. अगर आपने टेक्स्ट का साइज वगैरह चेंज करना है तब हम किसका यूज करते हैं, फॉन्ट साइज लिखते हैं वहां पे, ठीक है, फॉन्ट साइज लिखते हैं. तो उस साइज को क्या है, जैसे कि ये जिस आप क्या करोगे, जो भी साइज करना है तो आप क्या कर सकते हो, उसका साइज छोटा बड़ा करना हो तो आप उस चीज को कर सकते हो. जैसे फॉन्ट साइज क्रिएट्स द स्मॉलर टेक्स्ट, जो फॉन्ट साइज 1 आएगा तो वो क्या स्मॉलेस्ट रहेगा, और अगर आप फॉन्ट साइज 7 लिखते हो तो वो लार्जेस्ट वे में दिखने लग जाएगा, ठीक है. चेंजिंग द अगर कलर ऑफ टेक्स्ट, अगर आपने टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो वो भी आप कलर चेंज कर सकते हो, ठीक है. उसके बाद आता है हमारा चेंजिंग द कलर ऑफ अ पार्ट ऑफ टेक्स्ट. क्या करना है, यू कैन चेंज द कलर ऑफ पार्ट ऑफ टेक्स्ट. द कलर एट्रीब्यूट वर्क्स विद द फॉन्ट टैग. अगर आपने क्या करना है, फॉन्ट का जो कलर लिखा हुआ है, फॉन्ट कलर, ठीक है, जो मतलब ये मैटर इसका कलर चेंज करना है, तब हम किसका यूज करते हैं, फॉन्ट कलर. बाय डिफॉल्ट ब्लैक होता है, वैसे ब्लैक होता है. अगर आप डिफरेंट कलर में इसको लिखना चाहें, जैसे ये देखो कंप्यूटर सिस्टम जो है रेड कलर में आ गया, तो रेड कलर की देखो आपकी क्या लिखा हुआ रेड कलर को, रेड FF00000. तो अब हमने FF00000 लगाया तो फॉन्ट कलर कौन सा कलर शो करने लगा, रेड कलर. तो आपने क्या करना है, इस टैग को यूज करके साथ में जो भी कलर फॉन्ट का जो जिस कलर को यूज करना है उसका कलर क्या लिख दोगे साथ में, तब आपका वो क्या है मैटर का कलर चेंज होएगा, ठीक है. इस तरह से हमारी जो है टैग्स यूज होती है. अब जैसे यहाँ पे बीजी कलर लिखा है येल्लो, तो पीछे पूरी बैकग्राउंड का कलर क्या हो गया, येल्लो हो गया. इस तरह से हमारी हमने अपनी टैग्स का यूज करते हैं अपना वेब पेज बनाने के लिए. इन टैग्स के जरिए ही हम अपना वेब पेज क्रिएट करते हैं. किस में करते हैं, नोटपैड में करते हैं, ठीक है. आपका जो चैप्टर है कंप्लीट हो गया. अब आपने इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना है और उसके बाद आपने सेल्फ इवेल्युएशन करना है कि आपको जो पॉइंट आपने पॉइंट रीड करने हैं और जो पॉइंट एग्री लगते हैं तो एग्री पे क्लिक टिक कीजिए और डिसएग्री लगते हैं तो डिसएग्री पे टिक कीजिए, ठीक है. थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे.